गुड मॉर्निंग। ये जगह पे जाने की नहीं आप लोगों ने, यहीं पे खड़े होकर रोज थाली शूट करती हूँ ना, किचन है। अभी तेज चिल्लाऊंगी बाय बाबला। I really thank him because ये हमेशा 6 बजे आ जाता है मुझे वर्कआउट कराने। और मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को मैं नींद में हूँ। मैं गुड मॉर्निंग। और आज एक बार फिर से मैं आपको अपनी सुबह दिखाने जा रही हूँ। तो इस टाइम जो है वो सुबह के कुछ 4:45 बज गए हैं। वैसे तो मैं सुबह 5:45 बजे उठती हूँ, लेकिन आज क्योंकि ब्लॉग शूट करना था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा जल्दी उठ गई। और आज की सुबह जो है वो अलग है, हर दिन वैसे तो अलग ही होता है हम सबके लिए, लेकिन आज की मॉर्निंग मेरी वो मॉर्निंग है। मैंने बोला था ना कि एक दिन मैं खुद एक्सरसाइज करती हूँ, एक दिन मुझे ट्रेनिंग लेती हूँ, मतलब वर्कआउट कराने के लिए मेरे फिटनेस ट्रेनर आते हैं। तो आज की सुबह जो है कुछ ऐसी है, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से जो है मैं सब उठने के बाद, अभी जैसे उठी हूँ, पानी पी रही हूँ, हॉल रेडी करती हूँ, और किस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, और फिर सुबह की जो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं इंक्लूड करती हूँ, ज़रूरी जो हमारे काम होते हैं, ये सब जो जो जैसे जैसे होता रहेगा बस वैसे दिखाती रहूँगी, कुछ डिसाइड नहीं किया है। आई होप यू ऑल लाइक इट। ये देखिए बाहर एकदम अंधेरा हो रहा है। ये जगह पहचाने की नहीं आप लोगों ने, यहीं पे खड़े होकर रोज थाली शूट करती हूँ ना, किचन है। अब चलिए सबसे पहले रूम की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे एक्सरसाइज करनी है। एंड इवन जब हमारे एक्सरसाइज सेशंस होते हैं, जिसके बारे में भी बाद में बताऊंगी, तो तब भी मैं सेम ही प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, वो भी आपको एक दिन दिखाऊंगी जरूर। चाहिए मुझे अपनी कॉफी। वैसे तो हमारे यहाँ आती है क्लीन करने के लिए बाद में, लेकिन क्या होता है कि मुझे ना, मुझे सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगाओ, स्पेशली अगर वहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है या कुछ है, तो एक बार थोड़ा सा क्लीन हो जाना तो अच्छा लगता है। और जब से एसिडिटी हुई तब से ब्लैक कॉफी पीती हूँ मैं। मेरी मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी मेरी तो दूर हो गई है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई जब से मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़े हैं। तो वंस इन अ व्हाइल खाती हूँ पनीर पनीर से। ये मेरा फेवरेट टाइम, अकेले शांति से आराम से बैठ के कॉफी पियो। वैसे 50-100 बार हमारे डेली चलने नॉर्मल बात है, उससे ज्यादा चलने वो टेंशन होता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल एक्सरसाइज के लिए, एंड थोड़ा सा टाइम है अभी। आप जानते हैं कि मेरे फिटनेस ट्रेनर है देव, जिनके साथ मैं 5-6 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 6 ईयर्स नाउ, तो वो आने वाला होगा। एंड आपको ये भी पता होगा कि हमारे एक्सरसाइज सेशंस चलते हैं जो कि वो होल्ड करते हैं, सो आई विल टेल यू अबाउट दैट लेटर। फिलहाल पानी रख देती हूँ देव के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई मोटिवेशन, जो कि थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक हमेशा मैं इंक्लूड करती हूँ अपने ब्लॉग्स में। और अगर कुछ शूट करने में फिर से आगे पीछे हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बाहर अंधेरा है, अंदर लाइट है, मैं मूव कर रही हूँ, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम देव दैट उसे 10-15 मिनट लेट हो रहा है, सो व्हाट आई डू इज कि तब तक मैं वार्म अप कर लेती हूँ, एंड आई बिगिन विद हाफ सूर्य नमस्कार। मैं पूरा नहीं करती हूँ, हाफ करती हूँ, बिकॉज बहुत पहले मेरे इवनिंग में एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तब से, सो आई बिगिन विद दैट।
So I just did 22 Surya Namaskar and थोड़ी सांस फूल रही है एंड देव सर आई तो मैं दरवाजा खोलती हूँ. गुड मॉर्निंग. कम कम. ओके गाइस, सो आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड यू टू यू ऑल एंड नाउ वी विल नाउ वर्क आउट एंड आफ्टर वी वर्क आउट वी आर गोइंग टू टेल समथिंग इंटरेस्टिंग आल्सो टू यू. सो बी विद अस, स्टे ट्यून्ड. ओके गाइस, सो हमारा वर्कआउट पूरा हो गया है एंड कूल डाउन नहीं दिखाया, बट प्लीज़ प्लीज़ दोज हु आर वर्किंग आउट, जो जहाँ पे भी वर्कआउट हो रहा है, वार्म अप एंड कूल डाउन इज़ अ मस्ट एंड यू कैन आल्सो वर्कआउट विद अस. यस, से समथिंग. तो बेसिकली अगर आप हमारे साथ वर्कआउट करेंगे या करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको. हमने अब तक सक्सेसफुली 8 बैचेस जो है चला चुकी है और कंडक्ट कर चुकी है हमने. अभी 9th बैच हमारी शुरू होने वाली है और कई लोगों ने तो ऑलरेडी 10th बैच तक के लिए इनरोल कर लिया है. तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो और आप फिट होना चाहते हैं तो ज्वाइन अस एंड डेफिनेटली आई विल गाइड यू विद डाइट एंड विद द वर्कआउट प्लान एंड एवरीथिंग. सो यू कैन जस्ट एंड ऑल्सो वन मोर थिंग फ्रेंड्स, प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि मैंने इतने वेट्स वाली वर्कआउट की है तो आपको भी हैवी वेट्स वाली करनी है. मैं बहुत सालों से कर रही हूँ ट्रेनिंग, इस वजह से जो है आई एम डूइंग वेट्स. अदरवाइज जो अदर हमारी जो ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें बहुत हल्के वेट यूज होते हैं या फिर नहीं होते हैं मोस्टली यूज, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कम्फर्ट. सो वील गिव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और जस्ट कहीं पे भी कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट कीप वर्किंग आउट एंड बी विद मी. दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, दिन तो अभी शुरू हुआ है. ओके, सो थैंक यू देव, थैंक यू सो मच. ओके एंड आई रियली थैंक यू बिकॉज ये हमेशा 6 बजे आ जाता है मुझे वर्कआउट कराने. और मेरी शक्ल देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को इतना नींद में हो मैं पर फिर भी मेरी वर्कआउट करा दी. ओके गाइस, ओके थैंक यू, थैंक यू, सी यू. ये जो बैटर बनाया है मैंने, इसमें मैंने लिया है आधा कप ओट्स का पाउडर, आधा कप रवा और 1 कप दही, और आधा घंटा या उससे ज्यादा इसे नमक डाल के भिगो के रख दिया. बस अब इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, कुछ भी डालिए. एक दिन लेट हो गया भुट्टे लगाने में तो देखो मुरझाने लगे.
आरव इज गोइंग टू स्कूल और आज मैं उसे बस पे बाय करने नहीं गई हूँ, पापा के साथ गया अपने। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जान के भी उसको भेजती हूँ अकेला, सो दैट थोड़ा इंडिपेंडेंट धीरे धीरे होता जाए। लेट्स सी वो जा रहे हैं। लास्ट तक बाय करना आई थिंक सभी मम्मा को बहुत अच्छा लगता होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अभी तेज चिल्लाऊंगी बाय बाय बाबला। I'm sure all the mommies, all the homemakers can relate to me. मेरी हालत से relate कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने actually अभी आरव को बेच के फटाफट से जो है ना लंच कर लिया और थाली नहीं दिखा पाई, मुझे बहुत भूख लगी थी। थाली शूट की वो अलग से थाली में दिखा दूंगी, वैसे भी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और इतनी भूख लग रही थी, मैंने कहा फटाफट पहले खाना खा लो उसके बाद आराम से बैठते हैं। और हमारा मोटिवेशनल टॉक उसके बाद जो है मैं अपना रेडी होकर दिखाती हूँ आपको। ओके लेट्स गो विद द फ्लो। एक्चुअली ब्लॉग है, मुझे भी नहीं मालूम है क्या होने वाला है आगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम सब घर के काम करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने लिए भी आज फेस पैक लगा लूँगी, कल लगा लेती हूँ, आज हेयर मसाज कर लूँगी, कल ऑयल लगा लेती हूँ, ओवर टेबल जो भी है, हम अपने वो केयर के लिए ना टाइम लेकिन निकाल नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ अच्छा कल ना ये ज़रूर कर लूँगी, कल ज़रूर कर लूँगी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने किचन में खड़े होकर ही फटाफट जो है फेस पैक लगा लिया, क्योंकि हमारी सेल्फ केयर भी साथ साथ में चलती रहनी चाहिए, भले वो बाल हो, स्किन हो, कुछ भी हो, जितना हो सके चलते फिरते उसी में ही हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सोचें ना कि नहीं हम अलग से बैठ के अब अपनी सेल्फ केयर करेंगे, वो दिन आता है, ऐसा नहीं नहीं आता है, लेकिन बहुत कम आता है, रेयर आता है। तो मुझे यही लगता है कि हमें जो है वो फटाफट जो है अपनी सेल्फ केयर भी साथ साथ में करते रहनी चाहिए, ताकि हम उसे टालें नहीं। और बस ये थोड़ा सा जो है ना माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए, कभी आलस भी आ जाता है कि अच्छा कर लेंगे, नहीं नहीं आलस नहीं करना है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर स्किन, एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज गिवन अस। इंट्रो देना भूल ही गई ब्लॉग के चक्कर में, हमेशा भूल जा रही हूँ आजकल मैं। ओके हेलो एवरीवन, मैं लता सबरवाल हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, माई चैनल। एंड फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, आगे कुछ और भी यूजफुल चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। एंड बहुत सारे मोटिवेशनल स्टफ के लिए, इमेज मैनेजमेंट टिप्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी। अब अभी खाना खाया है तो आधे घंटे से पहले मैं नहा नहीं सकती, खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं नहाना चाहिए, आपको पता ही होगा शायद। तो चलिए मैं भी अपनी कुछ सेल्फ केयर कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम है। तो आज सुबह मैंने आपको दिखाया था ना काफ़ी कम बाल झड़े मेरे। वैसे फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 50 से 100 बाल तक झड़ना जो है ना वो कोई बहुत ऐसे ख़तरनाक बात नहीं होती है, गिर सकते हैं हमारे रोज़। लेकिन हाँ ये उससे ज़्यादा होने लगे तो आप एकदम जो है अलर्ट हो जाइए, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान दीजिए, अपनी तरफ से एफर्ट भी कीजिए। कई बार हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने लगते हैं बालों के ऊपर, कलरिंग ओवर कलर करने लगते हैं, बहुत सा मतलब ऐसे होता है, ये ध्यान नहीं देते हैं, खाते नहीं हैं ठीक से प्रोडक्ट्स नहीं लगाते हैं। लेकिन क्या है आजकल पोल्यूशन से और बहुत सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से जो है बाल झड़ने लगते हैं, और मेरा रूट टचअप का टाइम भी आ गया है। अब मैं तो इतनी यंग एज से कलर कर रही हूँ ना बाल, मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बालों का। तो कभी आंवला जूस पीती रहती हूँ, कभी एलोवेरा लेती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हैं। एफर्ट जहाँ हमने छोड़ा ना अपनी बॉडी के ऊपर तो बिल्कुल सब वो हो जाएगा। तो अभी मैंने सोचा ये आधे घंटे का टाइम है तो लगा लेती हूँ ये एंटी हेयर फॉल सीरम। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बॉटल दिखा देती हूँ, ये है एल्प्स गुडनेस की एंटी हेयर फॉल सीरम है, ये देख लीजिए। तो ये है एल्प्स गुडनेस का एंटी हेयर फॉल स्कैल्प सीरम, आप देख लीजिए इसकी बॉटल। देखती हूँ इसकी अगर डब्बी रखी हो ना तो दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ है, ये है, ये है रेडेंसिल करके एक जो है ना प्लांट बेस्ड कंपाउंड है, वो बहुत अच्छा है, जो हमारी हेयर ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, ये चीज़ काफ़ी प्रूव हुई है। तो उस इसमें वो है, और इसमें साथ में दो और चीज़ें हैं, एक है फेनोग्रीक यानी कि मेथी जो कि हमारे रिस्ट्रिक्ट करती है हेयर फॉल को, और साथ में
उसकी है बायोटिन, और बायोटिन हमारे जो है फॉलिकल्स है उन्हें स्ट्रेंथन करता है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एंड रिडेंसिल का तो काफ़ी प्रूव हो चुका है। आप चाहें तो कहीं गूगल में पढ़ भी सकते हैं रिडेंसिल के बारे में कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा है, एंड प्लांट बेस्ड कंपाउंड है, बहुत मतलब बिल्कुल हार्म नहीं है उसका, कोई बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो ये सिरप मैं लगा रही हूँ कुछ टाइम से, ये इनका ये कहना है कि 3 महीने लगाएंगे तो विजिबल आपको डिफरेंस फील होगा अपने हेयर फॉल में भी एंड हेयर ग्रोथ में भी। तो अभी मुझे नहीं हुआ है इतना टाइम लगाते हुए, बट येस आई कैन फील लिटिल डिफरेंस, और इसका कोई हार्म नहीं है तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। एंड बिल्कुल जब मैं लगा रही हूँ आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कुछ चिपचिपा नहीं हो रहा है, कोई ऐसी महक नहीं है, बहुत तेज़ चिपचिपा नहीं है, हैवी हैवी सा हो जाता ना बाल, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बस ये ऐसे बड़ा ही सिंपल लगाना, ड्रॉपर से लिया और ऐसे करके, अरे मैंने तो फेस पे गिरा लिया थोड़ा, मेरे काम ऐसे ही है। तो बस हल्का हल्का इसे जो है लेके लगाते रहेंगे हम इसे। एंड इस पे ये लिखा हुआ है कि आइडियल रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब हम इसे जो है डेली लगाएंगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको मैं डेली नहीं लगा पा रही हूँ, मैं ऑल्टरनेट डे लगाती हूँ क्योंकि इसे आधा घंटा रखना होता है, फिर उसके बाद जो है हमें शैम्पू करना होता है। इनफैक्ट इसका एल्ब्स गुडनेस का सेम शैम्पू भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब रोज़ तो शैम्पू करती नहीं हूँ, ऑल्टरनेट डे करती हूँ, तो मैं इसे ऑल्टरनेट डे यूज़ कर रही हूँ। एंड इनके इनफैक्ट मैंने कुछ हेयर पैक्स एंड फेस पैक्स भी दिखाए थे, मैं लिंक ऊपर अटैच कर देती हूँ वीडियो का, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे लगे मुझे एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो देखिएगा आप यूज़ करके देखिएगा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स के साथ। बस लगाने के बाद ऐसे ऐसे जो है ना हल्की हल्की मसाज करनी है, मुझे तो अपने हाथ से मसाज करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एक और अच्छी बात है कि इसमें कोई पैराबिन्स नहीं है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, बिल्कुल जो हार्मफुल चीज़ें होती है ना, टॉक्सिन्स वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं है। हेयर फॉल जो है वो कम करता है, साथ में हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, उसके साथ साथ एंटी ब्रेकेज क्वालिटीज़ भी हैं इसकी, टूटते नहीं हैं बाल, कम टूटते हैं क्योंकि स्ट्रेंथन हो जाते हैं इसलिए। और अगर आपके ओवर ट्रीटेड बाल हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग वगैरह कराते हैं तो भी मेरे हिसाब से तो आपको यूज़ करना चाहिए, ट्राई करके देखिएगा, बिकॉज रिडेंसिल ऑफ लेट काफ़ी अच्छा प्रूव हो रहा है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सो ट्राई दिस एल्प्स गुडनेस का एंटी हेयर फॉल स्कैल्प सीरम, एंड हाँ हमें लिंक सब दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके साथ एक अपना सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ कि शूट पे या वैसे अभी भी कभी कभी जब मुझे रूट टचअप का काम टाइम नहीं मिलता है और यहाँ थोड़े थोड़े से होने लगते हैं तो मैं क्या करती हूँ अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो। सो लेट्स वेट फॉर हाफ एन आवर, मैं नहा के आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ अपनी सीक्रेट ट्रिक हमारी ग्रे हेयर छुपाने की। एक्चुअली बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले बालों को थोड़ा सा सुखाया जाए, हमेशा बालों को फ्रेंड्स टाल ड्राई ही कीजिए, एंड उसके बाद ये वाला जो है ये जो वाइट टूथ कॉम होता है ये ही यूज़ कीजिए, नहीं तो गीले बालों में अगर हम ब्रश करेंगे ना तो बहुत टूटने के चांसेस होते हैं, इसलिए ब्रश बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसमें। और आज घर पे हूँ इसलिए मैंने सिंपल सी टी शर्ट बस पहन ली है। वैसे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रिक ये आप सूखे बालों में करेंगे, लेकिन मैं ब्लो ड्राई वगैरह अनलेस एंड अनटिल ज़रूरत ना होना बिल्कुल कुछ नहीं करती हूँ बालों में, बहुत उस तरह से केयर करती हूँ, तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपके बाल ऐसे जो है अगर नेचुरली ड्राई जितना अच्छा है या टाल ड्राई कीजिए, भले एक डिफरेंट ड्राई टाल लेके अगर बांध लेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ओके तो ये हो गए मेरे बाल, कॉम कर सकते हैं या ऐसे अगर वेवी चाहिए हो तो ऐसे छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर कॉम करके स्ट्रेट कर लीजिए, मैं ऐसे थोड़े से वेवी से छोड़ देती हूँ। तो ट्रिक दिखाने से पहले सबसे पहले मैं अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज कर लूँ, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ड्राइनेस आ जाती है और ये बेस्ट टाइम होता है। बस अब कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन, मुझे टिंटेड सनस्क्रीन बहुत पसंद है, कहीं जाना हो या ना जाना हो सनस्क्रीन तो लगानी है, और टिंटेड सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है। And my last step when I'm at home is little gloss. तो
तो एक ब्रश ले लीजिए कोई भी, मैंने ये ब्रश जो है तो पुराना हो गया था, अलग से रख दिया है, और चाहे तो कोई भी ब्लैक आई शेडो ले लीजिए या डार्क ब्राउन आई शेडो ले लीजिए अगर आपके बाल थोड़े ब्राउनिश हैं तो। तो मेरे पास ये मिस क्लेयर का जो है बहुत पुराना पैलेट रखा हुआ है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है अब, बाकी सब शेड्स ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका जो है ब्लैक शेड लेके बस केयरफुली ड्राई बालों पर लगाना है। याद रखिएगा मैं गीले पे करके दिखा रही हूँ आपको, ये बस जहाँ जहाँ पे आपको ग्रेज दिखेंगे ना, या अगर आपको दिखेगा कि थोड़े से स्कैंटी हेयर है वहाँ पे, बस वहाँ वहाँ भर दीजिए। ब्राउनिश बाल हैं तो ब्राउन भरिए, डार्क हैं ब्लैक तो ब्लैक भरिए, और आपको देखते ही इमिडिएटली आई थिंक अभी फ़र्क पता चल रहा होगा। और ब्रश से स्लोली स्लोली भरेंगे ना तो क्या है कि वो छोटे छोटे बाल भी कवर हो जाते हैं। सो आई जस्ट डू दिस। तो इंस्टेंटली अगर हमें बाहर जाना हो, कभी भी लगे कि हमारा हेयर कलर नहीं हुआ है, हम क्या करें, और ये क्योंकि आंखों पे और फेस पे लगाने वाली चीज़ है इसलिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है। कई लोग मस्कारा यूज़ करते हैं लेकिन मुझे उसका ब्रश ना वो चिपके चिपके से हो जाते हैं बालों से। आई प्रेफर दिस। I hope you all found this vlog useful, friends, and अच्छा लगा, मेरे vlogs अच्छे लग रहे हैं तो please comment कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं और vlogs बनाती रहूँ, and सारे link नीचे description box में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर checkout कीजिएगा। Thank you for being with me, thank you for supporting me always.